स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट का पार्ट थ्री है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 44 है, इससे पहले मैं 43 क्वेश्चन तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कुछ को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से किसको पारस्परिक क्रिया का नियम कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम और न्यूटन का प्रथम नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट पारस्परिक क्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम होता है दोस्तों, इसलिए इसका बी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है, बी को हम राइट मानेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स। तो मसल्स क्या होती है साथियों? इसमें ए ऑप्शन है सिकुड़ती है, बी है लंबी हो जाती है, और सी ऑप्शन है न सिकुड़ती है न ही लंबी हो जाती है, और डी ऑप्शन है सिकुड़ती भी है और लंबी भी हो जाती है। तो दोस्तों आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ना तो सिकुड़ती है ना ही लंबी होती है, इसलिए इसका हमारा सी ऑप्शन राइट उत्तर है, सी ऑप्शन राइट उत्तर है इसका। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोवियल ज्वाइंट्स। उसके बाद है कुछ कुछ चलायमान होते हैं, स्वतंत्र रूप से चलायमान होते हैं, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स साथियों कुछ कुछ चलायमान होते हैं और स्वतंत्र रूप से चलायमान होते हैं, यानी हमारा ए और बी ऑप्शन दोनों राइट है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है राइट उत्तर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों सी ऑप्शन राइट उत्तर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरती हैं? तो इसमें साथियों वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरती है? तो ए ऑप्शन है परपेंडिकुलर से ग्राउंड और हॉरिजेंटल से ग्राउंड, ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन में है ना तो ए ना ही बी। तो दोस्तों इसका होता है परपेंडिकुलर से ग्राउंड, ए ऑप्शन हमारा वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरती है, परपेंडिकुलर से ग्राउंड, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेट की मांसपेशियों का सर्वोत्तम विकास किस प्रकार होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पेट के बल लेटे अवस्था में की जाने वाली क्रियाओं द्वारा, और उस बी ऑप्शन है चित लेटे अवस्था में की जाने वाली क्रियाओं द्वारा, उसके बाद खड़े रह कर की जाने वाली क्रियाओं द्वारा, उसके बाद डी ऑप्शन है बैठे रहने की अवस्था में की जाने वाली क्रियाओं द्वारा। तो साथियों चित लेटे अवस्था में की जाने वाली क्रियाओं द्वारा पेट की मांसपेशियों का विकास होता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों अगला है पेनक्रियाज स्रावित करता है। तो पेनक्रियाज क्या स्रावित करता है दोस्तों? इंसुलिन, पेप्सिन, एड्रिनल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेनक्रियाज जो होता है इंसुलिन स्रावित करता है, ए ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है डायनमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? गति की रेंज, टांग की शक्ति, शरीर की बनावट, इनमें से सभी। तो डायनमोमीटर शरीर की बनावट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है। उसके बाद अगला है जीवशास्त्र का आधार है सेल, मांसपेशी, अस्थि और पेशी जाल। तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है सेल, जीवशास्त्र का आधार सेल है, ए ऑप्शन हमारा राइट विकल्प है इसमें दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गलपट्टी कॉलर
बोन की आशि को निम्न से भी जाना जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन में है क्लेविकल, रिप्स, स्टर्नम, स्केपुला। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है क्लेविकल। ए ऑप्शन राइट उत्तर है क्लेविकल। उसके बाद दोस्तों अगला है, निम्न में से किसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं। ए ऑप्शन है स्ट्रोकिंग, बी है क्लैपिंग और सी है पाउंडिंग और डी है निडिल। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है निडिल। डी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिज संधि है। तो ए ऑप्शन है श्रेष्ठी संध और कोहनी संध, टखने की संध, इनमें से सभी। तो इसका दोस्तों कोहनी संध जो होती है हिज संधि होती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है, खेल में लगी चोट में सूजन को कम करने के लिए किए गए उपचार की संस्तुति की गई है। वैक्स बाथ, हर्ल पूल, कंट्रास्ट बाथ और इनमें से सभी। तो साथियों खेल में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार की संस्तुति की गई है। तो साथियों इसका कंट्रास्ट बाथ होता है, ये राइट उत्तर सी ऑप्शन राइट उत्तर है। उसके बाद अगला है, फ्लैट फुट का पता किससे लगता है। पेडोग्राफ, प्लम्ब लाइन, स्पोंडलोमीटर, ऑर्डिनरी मेजरिंग स्केल। तो साथियों इसका राइट उत्तर है पेडोग्राफ। पेडोग्राफ राइट उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शोल्डर डिसलोकेशन चोट सामान्यतया किससे जुड़ी होती है। रोविंग, नौकायान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जूडो। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है शोल्डर डिसलोकेशन चोट सामान्यतः जूड़ो से जुड़ी होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लयात्मक आदेश के मुख्य भाग होते हैं 3, 5, 2, 4। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है 5 भाग होते हैं। लयात्मक आदेश के मुख्य भाग कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद अगला है, स्टेयर केस विधि से किस प्रतियोगिता में फिक्सचर डाले जाते हैं। नॉकआउट लीग प्रतियोगिता, स्टेयर केस विधि से किस प्रतियोगिता में फिक्सचर डाले जाते हैं। नॉकआउट लीग प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, चैलेंज प्रतियोगिता और लीग प्रतियोगिता। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है लीग प्रतियोगिता, डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक शिक्षण विधि में क्रिया को भागों में विभक्त किए बिना ही कराया जाता है। पूर्णविध, आंशिक विध, पूर्णविध उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होता है पूर्णविध, ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक विद्यालयों के बीच होने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। इंट्राम्यूरल, अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो या दो से अधिक विद्यालयों के बीच होने वाली प्रतियोगिताएं अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता होती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाता है बी, अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता। उसके बाद अगला है, हॉकी बॉल का वजन होता है दोस्तों औंस में दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 5 सही 1/2 औंस से 5 सही 3/4 औंस,
बी ऑप्शन है 4 सही 1/2 औंस से, 5 सही 1/2 औंस और सी ऑप्शन है 6 औंस से, 6 सही 1/2 औंस और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है 5 सही 1/2 औंस से, 5 सही 3/4। और ग्राम में यदि पूछता है तो 156 से 163 ग्राम जो है इसका वेट होता है, हॉकी बॉल का वजन 156 ग्राम से 163 ग्राम, और औंस में 5 सही 1/2 औंस से 5 सही 3/4 औंस। तो इसमें साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है ए, ए इसका राइट उत्तर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्पॉट का व्यास 5 इंच 6 इंच 7 इंच और 4 इंच। तो पेनाल्टी स्पॉट का व्यास दोस्तों होता है 6 इंच। उसके बाद साथियों अगला है, हरबंस सिंह टेस्ट किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, कुश्ती, हॉकी, हैंडबॉल। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है, हरबंस सिंह टेस्ट किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों खो खो पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई, तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है, खो खो पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई होती है 1.20 मीटर, ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद दोस्तों खो खो खेल में कितनी पारियां एक मैच में होती हैं, तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होता है 2 पारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा आपको और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आपसे केवल मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे वीडियो पे जो है लाइक और व्यू नहीं आ रहे हैं, तो ताकि मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँ। इसी के साथ साथियों जय हिंद।